मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूँ कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाएं।